अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज 24x7। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अचानक आज राजद कार्यालय पहुंचे। राजद कार्यालय पहुंचते ही तेज प्रताप यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा भी किया। तेज प्रताप यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए एक कमेटी बनाई और कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार जितने भी हैं उनको सभी को वोट डालना है और सभी को कैंपेनिंग करना है। वहीं तेज प्रताप यादव के आलोक में जो खबरें चल रही है उसका खंडन करते हुए कहा तेज प्रताप यादव ने कि जो भी खबरें चल रही हैं, राजद परिवार एक है, राजद मजबूत है और महागठबंधन 2019 के चुनाव में जीत रही है। क्या कुछ कहा तेज प्रताप यादव ने, आप भी सुनिए। कहा कोई विवाद नहीं है, आपका बात बनाते हैं आप लोग। लेकिन आपका ही बात ये कह दिया गया कि आप ही फोन पर कर रहे थे, थोड़ा सा आप ही कह रहे थे सर। आपने ही शायद ये फोन पर एक्सेप्ट किया कि आप लड़ेंगे। आप कहाँ एक्सेप्ट किए हैं तो ये कैसे खबर है? तेज प्रताप जी का कद इतना बढ़ रहा है, उससे लोग हताश हो रहे हैं, जलन हो रही है लोगों की, वही अफवाह उड़ा रहे हैं। लेकिन शिवहर को लेकर के और जहानाबाद को भी लेकर के आपने ट्वीट किया, आपने अपनी नाराजगी घर में दिखाई। नाराजगी क्या रही? तो क्या हुआ, शिवहर सीट आपके अंगेश लड़ेंगे वहाँ से? एकदम लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने साफ रूप से 2019 में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत बताई है। देखने वाली बात यह होगी कि यह लड़ाई किस तरह से होती है। कैमरा पर्सन संजीव आर्या के साथ सौरभ शर्मा, एलआर न्यूज 24x7 पटना। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।